हे गाइस, वेलकम टू द एजुकेशन पॉइंट। माय नेम इज प्रियंका और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपका टाइम और आपकी डेट के बारे में। जी हाँ, एमएस एक्सेल की बात करेंगे, लेकिन हम एमएस एक्सेल में समझेंगे फंक्शन। फंक्शन कौन सा होना चाहिए आज का? आज का फंक्शन स्टार्टिंग में नाम ले ही लिया, वही फंक्शन करवाऊंगी। सो आज का फंक्शन है आपका डेट एंड टाइम, कि हम डेट और टाइम के फंक्शन को कैसे यूज करते हैं इस एमएस एक्सेल में, वो आज बताने लगी हूँ। सो ध्यान से देखिएगा। हाँ, शीट में ले लेते हो इसमें नई। इसमें अब मुझे क्या करवाना है, डेट और टाइम एंटर करवाना है। डेट और टाइम एंटर करवाने के फंक्शंस भी कई तरीके से बन जाते हैं। सो हम उस यही देखेंगे कि कौन कौन सा फंक्शन हम इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखो, अगर तो मुझे डेट और टाइम एंटर करवाना हो, तो फिर तो मैं या तो हैशटैग, मतलब इस तरह से स्लैश, और या इस तरीके से मैं यूज़ करूँगी करेक्टर्स को। अगर मुझे टाइम एंटर करवाना हो तो मैं कॉलन का यूज़ करूँगी। यही होता है कि डेट एंटर करवानी है। जैसे आज कितनी डेट है, आज है 27, तो मैंने एंटर करवा दी 27/03/2022। ठीक है, तो ये आ गया मेरा डेट। और अगर मुझे टाइम एंटर करवाना हो, तो जैसे कि 6 बजे हुए हैं, तो मैंने लिख दिया 6 AM PM, वो आप देख लेना। तो इस तरीके से आ गया। निकल डेट, अब देखो वो बाय डिफॉल्ट डेट कैसे उठा रहा है, इस तरीके से। मैंने स्लैश वाली लिखी है, पर उसने नहीं उठाई। क्या अगर वो वाली लेनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस डेट का मेथड क्या होगा? उस डेट के लिए मुझे लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग में 3/27/2022। अब देखिए, अब तो नहीं चेंज हुआ, जनरल में ही रहा। क्योंकि पहले मैंने अगर लिख दिया मंथ, फिर लिख रही हूँ मैं डेट, और उसके बाद फिर मैं लिख दिया ईयर, तो ये तो जैसे आप लिखोगे वैसे ही आ जाएगा। अगर आप स्टार्टिंग में लिखते हो प्रॉपर डेट, मतलब आज की डेट लिखते हो, फिर मंथ लिखते हो, इसको जिस मर्जी फॉर्मेट में लिख दो, अगर आपने यहाँ पर डेट का फॉर्मेट दिया तो वो बाय डिफॉल्ट ही ये कैरेक्टर में आपको कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा जो डेट होती है यूएस फॉर्म, जो यूएस फॉर्मेट में हम डेट बोलते हैं, वो क्या होती है, उसमें आता है सबसे पहले मंथ। जैसे यहाँ पर है सेकेंड वाली में, आप सेकेंड कॉलम, ये A2 वाला देखिए ना, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, मंथ, फिर डे, फिर उसके बाद आपके पास मंथ, जैसे ये वाला मंथ, और फिर उसके बाद डे 27/22 मीन्स ईयर। ठीक है, तो ये बन जाता है यूएस फॉर्मेट। किस इस फॉर्मेट के हम ये बोलते हैं, रीजनल सेटिंग पे ये डिपेंड करता है आपके, कि आपने कुछ करा हुआ है, ये रीजनल सेटिंग वगैरह करी हुई तो ये फॉर्मेट चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो ये तरीका रहता है इसमें। उसके बाद ईयर, मंथ और डे लिखने का अलग अलग वे है। जैसे कि अब यहाँ से मुझे ईयर को फाइंड आउट करना हो, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी इज इक्वल्स टू ईयर, फंक्शन लग गया ना ईयर का, ईयर, और उसमें से वो पूछ रहा किस में से आपको ईयर चाहिए, तो मुझे A1 में से ईयर चाहिए, तो उसने आंसर दे दिया 2022 ईयर है इसमें। ठीक है, आप मतलब किसी में से ईयर फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो डेट में से। इसका भी देख लेते हैं कि इसका निकलेगा या नहीं निकलेगा। आई डोंट नो, नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि ये फॉर्मेट ही नहीं है, ये फॉर्मेट नहीं है डेट का, दैट इज़ वाई वो इसमें से ईयर फाइंड आउट नहीं कर पाया। ये फॉर्मेट है डेट का प्रॉपर, तो उसने उसमें से ईयर फाइंड आउट कर दिया आपको। ठीक है, ये तरीका रहेगा इसमें, कि जो भी फॉर्मेट होगा आप उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डेट वगैरह लिखोगे तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा आंसर। और डेट फंक्शन में क्या होता है, कि यू हैव टू ऐड द नंबर ऑफ द डेज टू द डेट। तो आप नंबर ऑफ द डेज कैसे आप इसमें ऐड कर सकते हो, अब ये देखो, ड्रैग एंड ड्रॉप करो तो सिंपली जस्ट ऐड हो गया। यहाँ तो ये वे रहेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं कर दूँ इसमें इज इक्वल्स टू A1 प्लस, इसमें कर दूँ 1, तो आंसर आ गया ना। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करो, या फिर आप इस तरीके से भी आप डेट डेट को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है जी, प्लस वगैरह करके भी आप निकाल सकते हो, कि जो डेट है उसके उसमें +1 कर दो तब भी आंसर आ जाएगा।
और इसके अलावा और कौन सा फंक्शन लग सकता है इसमें, इज इक्वल्स टू डेट, डेट के अंदर ब्रैकेट में ईयर, ईयर जो है वो A1 का लेंगे हम, उसके बाद इसमें प्लस हो जाएगा 4, उसके बाद कॉमा, और फिर आ जाएगा हमारा मंथ का फंक्शन। मंथ भी मुझे A1 का चाहिए, और फिर मंथ मैंने जैसे ही A1 का उठाया उसमें मैंने 2 ऐड कर दिया, फिर कॉमा, डे मुझे चाहिए। अब डे भी मैंने किसका लिया, A1 का ही डे ले रही हूँ मैं, और उसमें मैंने 9 ऐड कर दिया। देखो ना, जो ईयर है, जो जो सा भी साल है, जैसे 2022 है, उसमें 4 ऐड होगा। मंथ कोई जो सा भी उसके पास मंथ है, जैसे कि यहाँ पर तीसरा महीना था, 3 लिखा हुआ है, 3 में 2 ऐड होगा, यानी कि वो 5th मंथ आ जाएगा। अब जो डे है, अगर वो 27 है, तो उसमें 9 और ऐड होगा, तो जाकर जो नेक्स्ट डे डे बनेगा, मुझे उसका आंसर मिलेगा यहाँ पर। तो आंसर कितना आ गया, 27 में 9 ऐड हुआ तो वो 5th पहुँच गया। 5th के बाद उसने क्या दिया, अगला महीना आ गया, 3 में 2 ऐड होना था, तो उसने उस हिसाब से मुझे देना था फिफ्थ वाला मंथ, लेकिन उसने 6 वाला दिया। क्यों? क्योंकि उसमें 27 में कौन सा डे ऐड हुआ है, 5, तो 5 ऑफ नेक्स्ट मंथ का है ना। अगर मार्च चल रहा है, मार्च में मैंने 27 में 9 ऐड करवा दिया, तो वो नेक्स्ट मंथ कौन सा आ गया, मार्च के बाद अप्रैल आ गया, तो उस हिसाब से वो नेक्स्ट वाली जो डे है वो इंक्रीज हुआ है, मंथ इंक्रीज हुआ है। और 22 था, 22 में तो उसने 4 ही ऐड किया, और उसने उसे हमें क्या आंसर दे दिया, 26। ठीक है, ये इस तरीके से हम यहाँ पर अलग अलग डेट के फंक्शंस को यूज़ करके डेट और टाइम जो है अप्लाई कर सकते हैं एमएस एक्सेल में। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस रहते हैं, तो ये तरीका रहता है, ये मेथड रहेगा। अगर आपको अभी की डेट जाननी है, तो अभी की डेट के लिए आप क्या करोगे, सोचो, कुछ नहीं करना है, इज इक्वल्स टू लगा दो, नाउ लिख दो, आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना हो, डेट भी आ जाएगी साथ में टाइम भी आ जाएगा। उसके अलावा अगर आपके पास टाइम है, जैसे अगर मेरे पास मुझे टाइम ही चाहिए बस, तो मैंने इसमें से आवर्स निकाल दिए, B3 है ना, ये B3 में से मुझे आवर्स फाइंड आउट करने हैं। जब तक इज इक्वल्स टू नहीं लगाओगे, आंसर किसी का भी नहीं दिखने वाला। तो आवर्स उसने बता दिए 19, ठीक है, ये इस तरीके से भी हम लोग निकालते हैं। उसके अलावा टाइम भी, तो ऐसे टाइम निकालना है तो इज इक्वल्स टू लगा दो, यहाँ पर टाइम लिख दो, यहाँ पर आप आवर्स ले लो, और फिर उसके बाद कॉमा आप लिख दो, इसमें मिनट्स मिनट्स ले लो, और यहाँ पर कॉमा आप सेकंड ले लो, और ब्रैकेट में फिर मुझे वो लिखना पड़ेगा B3, मिनट भी ऐसे B3, सेकेंड्स भी ऐसे B3, ब्रैकेट क्लोज, तो आंसर आ जाएगा मेरा 7:20। जो अभी का टाइम है वो आ गया ना, मैंने यहाँ यहाँ से टाइम निकाला, 9 पहले दिया, 9 में से मेरे को टाइम चाहिए था, तो मैंने लिख दिया आवर्स ऑफ B3 में से आवर्स फाइंड आउट करके दो, B3 में से मिनट फाइंड आउट करके दो, B3 में से सेकंड फाइंड आउट करके दो। फॉर्मूला यहाँ से बड़ा करो, फॉर्मूला बार है, वहाँ से आपको फॉर्मूले हर चीज़ के दिख जाएंगे, जो भी यहाँ पर लगा होगा वो यहीं पर आएगा। फॉर्मूला यहाँ से बड़ा करो, ये अच्छा ये टाइम है, ये आवर है, ये मिनट है, और ये सेकेंड है। उसके अलावा अगर मुझे यही वाला फॉर्मूला ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ करना हो तो जाएगा, लेकिन वो C3 का उठा लिया ना उसने, यहाँ पर देखो ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो उसने C3 का उठा लिया, मुझे तो B3 का ही चाहिए। ड्रैग एंड ड्रॉप से अच्छा कॉपी पेस्ट ही कर दो, अगर आपको सेम वही का ही चाहिए होता है तो। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, ये मुझे एज इट इज नहीं चाहिए था, मुझे इसमें ऐड करवाने हैं, जैसे आ रहा है उसमें 2 ऐड करवाना है, तो वो 2 घंटे आगे चला जाएगा। अब मिनट है, मिनट में मुझे 10 मिनट आगे करवाना है, इसको जो भी टाइम है उसमें से 10 मिनट आगे करवाना है, और जो सेकंड है, सेकंड में से मुझे कुछ भी, कुछ जितने मर्जी सेकंड्स आगे करवा लो, मुझे 60 सेकंड्स आगे करवाना है। सपोज करो
तो मेरा आंसर क्या आ गया, 9:32। मिनट में भी, मिनट में मैंने 10 मिनट ज़्यादा करवाए हैं, सेकंड में मैंने 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट और बढ़वा दिया, उसके बाद आर में मैंने 2 2 घंटे ज़्यादा करवाए हैं। तो ये तरीका रहता है, इस तरीके से भी आप इसमें से आंसर निकाल सकते हैं। तभी तो 21 का 31 आना था, 32 कहाँ से आ गया, क्योंकि वो 60 सेकेंड मैंने बढ़ा दिए, तो इसलिए उसने 32 दे दिया। ठीक है, ये रहेगा इसमें टाइम का फंक्शन। इसी में हमने डेट का फंक्शन भी मैंने आपको बता दिया, टाइम का फंक्शन में बता दिया कि इस तरीके से आप टाइम और डेट को फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग MS Excel। नेक्स्ट होगा टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, वो नेक्स्ट में समझा दूंगी आपको। तो आज की वीडियो में बस इतना था कि हाउ विल यू फाइंड आउट डेट एंड द टाइम इन दिस MS Excel। सो लाइक माई चैनल, शेयर माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल।